इस कहानी की शुरुआत में हमें काठमांडू में बने कामरताज को दिखाया जाता है, जहां काइसिलियस नाम का दुष्ट जादूगर अपने साथियों के साथ अंदर घुस जाता है, क्योंकि वो वहां एक खास तरह की रस्म चुराने आया था, जिसके लिए वो लाइब्रेरियन को जान से मार देता है और एक किताब के कुछ पन्ने चुरा लेता है, क्योंकि उसी में वो खतरनाक रस्म लिखी हुई थी। तभी वहां एशियंट वन यानी कि गुरुमा आ जाती है, जो कि मिस्टिक आर्ट्स और कामरताज की लीडर होती है। ये देखकर काइसिलियस अपने साथियों के साथ वहां से भागने लगता है, तो एशियंट वन उन्हें दर्पण आयम में फंसा देती है। दर्पण आयम वो दुनिया होती है जिसे इंसान देख नहीं सकते और उसमें होने वाली घटना का असली दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर गुरुमा उन सभी से फाइट करने लगती है और वो काइसिलियस के बहुत सारे साथियों को मार डालती है, लेकिन काइसिलियस अपने कुछ साथियों के साथ वहां से बचकर निकल जाता है। फिर हमें न्यूयॉर्क शहर में स्टीफन स्टेज नाम के एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही काबिल डॉक्टर और न्यूरोसर्जन होते हैं, लेकिन साथ ही वो बहुत ही घमंडी भी होते हैं, जो सिर्फ अपने करियर की ही परवाह करते हैं। आज रात वो तैयार होकर अपनी सुपर कार से एक लेक्चर देने के लिए निकलते हैं, जहां रास्ते में वो अपने असिस्टेंट बिली से नए केस के बारे में बात करते हैं, जिससे उनका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और उनका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन उनके हाथ बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। स्ट्रेंज की जब आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि पामर उनके पास बैठी हुई है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। स्ट्रेंज जब देखता है कि उसके दोनों हाथों में पिंस लगी हुई है, तो पामर से पूछता है कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, तो पामर उसे कहती है कि तुम्हारी दर्जनों मांसपेशियां फट गई है और दोनों हाथों की नसें बुरी तरीके से कुचल गई है, जिससे तुम्हारे हाथों में 11 स्टील पिंस लगानी पड़ी। स्ट्रेंज अपनी हालत से काफी परेशान होता है, पामर उसका ख्याल रखती है। फिर जब उसकी स्टील पिंस निकाली जाती है तो उसके हाथ लगातार कांपते रहते हैं और उसकी उंगलियां काम नहीं कर रही थी, तो स्ट्रेंज डॉक्टर से कहता है कि मुझे जल्दी ठीक करो, मेरे हाथों में ऊपर से नीचे तक रोड डाल दो। तो डॉक्टर कहते हैं कि इसकी कोशिश की जा सकती है, लेकिन इसमें बहुत खर्च आएगा, तो स्ट्रेंज इसके लिए मान जाते हैं। फिर जब उनका ऑपरेशन करके उनके हाथों में रोड डाली जाती है तो उनकी उंगलियां काम करना तो शुरू कर देती है, लेकिन अभी भी उनके हाथ कांपते रहते हैं, जिससे वो काफी परेशान होता है और वो कुछ भी करके अपने हाथों को ठीक करना चाहता था। पामर उसके पास आती है और उसे समझाती है कि अब तुम्हें रुक जाना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारा इलाज तुम्हें पागल कर रहा है। तो स्ट्रेंज उसे कहता है कि मैं अपने हाथों के बिना किसी का इलाज नहीं कर सकता। तो पामर उसे कहती है कि काम के बिना जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। तो स्ट्रेंज उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम ना तो मुझसे प्यार करती हो, ना ही तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, बस तुम्हें तो मुझ पर तरस खाने में मजा आता है, जिससे पामर को भी बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। स्ट्रेंज जब एक डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहा होता है तो स्ट्रेंज उसे कहता है कि मैं इन सब से ठीक नहीं हो सकता। तो वो बताता है कि तुम्हारे जैसा ही एक आदमी और था, जिसके चलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसकी बॉडी में पूरी तरीके से लकवा मार गया था, लेकिन मैंने एक दिन उसे सड़क पर चलते हुए देखा। मगर स्ट्रेंज को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो पेगबॉन्ड की फाइल देखता है तो उसे उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और वो अगले दिन उससे मिलने जाता है। स्ट्रेंज उसे कहता है कि तुम्हारी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, तुम चलने के बिल्कुल लायक नहीं थे, फिर तुम ठीक कैसे हुए, क्योंकि अब मेरी भी हालत ऐसी हो गई है, इसीलिए मैं ठीक होने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। तो पेगबॉन्ड उसे बताता है कि जब मेरी बॉडी काम नहीं कर रही थी तो मैं अपने शरीर से हार गया था, बस मेरे पास मेरा दिमाग बचा था और मुझे उसी की क्षमता को बढ़ाना था, इसीलिए मैं गुरुओं के पास गया, जहां अनजान लोग मुझे कामरताज ले गए और आखिरकार मुझे वहां अपने गुरु मिल गए। मेरी परेशानियां दूर हो गई, मेरी आत्माओं को शांति मिल गई और किसी तरह मेरे शरीर के घाव ठीक हो गए। कामरताज में सिखाने को कई रहस्य थे, लेकिन मुझ में समझने की ताकत नहीं थी, तो मैं अपने साथ हुए चमत्कार से खुश होकर घर लौट आया। और अगर तुम्हें भी कामरताज जाना है तो तुम्हें काठमांडू में उसे ढूंढना होगा। तो स्ट्रेंज कामरताज की तलाश में काठमांडू पहुंच जाता है, जहां वो सभी से कामरताज के बारे में पूछने लगता है और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते वो आगे बढ़ने लगता है, जहां एक जगह उसे कुछ गुंडे घेर लेते हैं जो उसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी एक नकाब वाला आदमी आकर उसे उन गुंडों से बचा लेता है, जिसका नाम मोडो होता है। फिर वो स्ट्रेंज को अपने साथ कामरताज लेकर जाता है, जहां उसे अपनी गुरुमा एशियन वन से मिलवाता है। वो उसे कहती है कि मैं जानती हूं कि तुम्हारे साथ ऑपरेशन हो चुके हैं। स्ट्रेंज उनसे पूछता है कि आपने पेगबॉन्ड नाम के आदमी की पूरी तरीके से टूटी हड्डी को कैसे ठीक कर दिया। तो गुरुमा उसे बताती है कि मैंने उसकी रीढ़ की हड्डी को जोड़ा नहीं, बल्कि उसे यकीन दिलाया कि वो अपने पैरों पर चल सकता है। तो स्ट्रेंज उन्हें कहता है कि इसका मतलब ये है कि आपने वो तरीका ढूंढ लिया है जिससे हमारे शरीर के सेल्स खुद ब खुद बनकर ठीक हो सकते हैं। तो गुरुमा उसे कहती है कि ऐसा नहीं है, बस मैं तुम्हें समझा सकती हूँ कि आत्मा बॉडी को खुद ब खुद कैसे ठीक कर सकती है। फिर उसे चक्रा और एक्यूपंचर के बारे में बताती है। तो स्ट्रेंज को
उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो उन्हें कहता है कि मैं आत्मा पर विश्वास नहीं करता क्योंकि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, बस हम हार्ड मास के बने हैं जो इस बड़े ब्रह्मांड के अंदर पल भर के लिए जन्मे छोटे से कण है और आपकी आत्मा की बातें बकवास है। तो गुरुमा अपने हाथ से एक वार करके स्टेंज की आत्मा को अलग कर देती है। स्टेंज जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है। वो उनसे पूछता है कि आपने मेरे साथ क्या किया, तो उसे कहती है कि तुम एक पल के लिए रूहानी दुनिया में चले गए थे जहां आत्मा बिना शरीर के रहती है। तो स्टेंज उन्हें कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, तो वो कहती है कि मैं सब इसीलिए कर रही हूं ताकि तुम जान जाओ कि इस जिस्मानी दुनिया के अलावा भी बहुत सारी दुनियाएं हैं जिनके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। फिर वो अपनी शक्तियों से स्ट्रेंज को बहुत सारे मल्टीवर्स दिखाती है जिनमें कुछ अच्छी दुनियाएं होती है तो कुछ बुरी। फिर वो उसे वापस असली दुनिया में ले आती है। स्ट्रेंज उन्हें कहता है कि मुझे सिखाइए कि आपने सब कैसे किया, तो गुरुमा उसे सिखाने से मना कर देती है और उसे कामर ताज से बाहर निकाल देती है। स्ट्रेंज इससे काफी परेशान हो जाता है। वो अंदर आने के लिए गेट को खटखटाने लगता है। मोर्डो ये देखकर गुरुमा के पास जाता है और उन्हें कहता है कि स्ट्रेंज 5 घंटे से आपके दरवाजे पर है, इसीलिए उसमें कुछ बात तो जरूर है। तो गुरुमा उसे कहती है कि उसमें बहुत जिद और गुरूर है जो मैं पहले भी अपने शिष्य काइसिलियस में देख चुकी हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि फिर से मेरा एक शिष्य ताकत पाकर अंधेरी दुनिया में खो जाए। तो मोर्डो ने कहता है कि आपने मुझे नहीं खोया और आपने मुझे शक्तियाँ दी ताकि मैं अपने अंदर के शैतान को हरा सकूं और नियमों के दायरों में जी सकूं। तो गुरुमा उसे कहती है कि हम अपने अंदर के शैतान को कभी हरा नहीं सकते, बस हम उससे ऊपर उठ सकते हैं। तो मोर्डो ने कहता है कि काइसिलियस के पास अभी भी वो चुराए हुए पन्ने हैं और अगर वो उन पन्नों को समझ गया तो हम सबको बर्बाद कर देगा, जिससे आने वाला वक्त बहुत मुश्किल हो सकता है, इसीलिए हमें स्ट्रेंज जैसे शख्स की जरूरत पड़ सकती है। तो गुरुमा उसकी बात मान लेती है और फिर मोर्डो स्ट्रेंज को अंदर ले आता है जहां उसे उसका रूम दिखाता है और कहता है कि आराम करो, ध्यान लगाओ, गुरुमा तुम्हें जल्दी बुलाएगी। फिर अगले दिन से गुरुमा उसे ट्रेनिंग देने लगती है। वो उसे बताती है कि हम ब्रह्मांड के अलग अलग आयामों से ऊर्जा खींचते हैं, मंत्रों को सक्रिय करते हैं, अस्त्र शस्त्रों को आकार देते हैं और करते हैं चमत्कार। तो स्ट्रेंज उसे कहते हैं कि अगर मेरी उंगलियां ये सब कर भी ले तब भी मेरे हाथ तो सिर्फ हवा में ही लेंगे और ये जादू कैसे होगा। तो गुरुमा उसे कहती है कि तुम टूटी हुई हड्डियों या नसों को कैसे जोड़ते हो। तो स्ट्रेंज उन्हें कहता है कि बरसों की पढ़ाई और प्रैक्टिस से। तो इससे स्ट्रेंज समझ जाता है कि उसे जादू सीखने के लिए पढ़ाई और प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके लिए वो कामरताज की लाइब्रेरी में जाता है ताकि वो अपने पढ़ने के लिए किताबें ले सके। उसे वहाँ अलग से रखी कुछ किताबें दिखाई देती है। तो वोंग उसे बताता है कि गुरुमा की निजी किताबें हैं। तो स्ट्रेंज उसे कहता है कि क्या इसे पढ़ने की मनाही है। तो वोंग उसे कहता है कि कामरताज में किसी भी जानकारी की मनाही नहीं है सिवाय कुछ रस्मों के। फिर वो उसे ये भी बताता है कि हमारी गुरुमा के अलावा इन किताबों को समझना किसी और के बस की बात नहीं है। फिर स्ट्रेंज जब एक किताब को खोलकर देखता है तो उसमें से कुछ पन्ने गायब होते हैं। तो वोंग उसे बताता है कि समय का राज जानने की किताब है जिसकी एक रस्म को काइसिलियस नाम के पुराने मास्टर ने चुरा लिया था और उसने यहाँ के पहले लाइब्रेरियन को मार दिया और अब मैं यहाँ का नया लाइब्रेरियन हूँ, इसीलिए अगर यहाँ से कोई भी किताब गायब होगी तो मुझे पता चल जाएगा। फिर स्ट्रेंज वहाँ से किताबें लेकर चला जाता है। वही हमें काइसिलियस को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ उन चुराए हुए पन्नों की रस्मों को समझने की कोशिश कर रहा था। वही स्ट्रेंज को मोर्डो बाकी लोगों के साथ ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो उन सभी को तिलस्मी अंगूठी देकर कहता है कि तिलस्मी अंगूठी पर महारत होना बेहद जरूरी है क्योंकि इससे हम कई ब्रह्मांड में घूम सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा और उस जगह के बारे में सोचना होगा जहाँ तुम्हें जाना है। स्ट्रेंज काफी कोशिश करता है लेकिन वो तिलस्मी अंगूठी से आयाम नहीं बना पाता क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने हाथों की वजह से कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथ कांपते हैं। तभी गुरुमा उसके पास आती है। तो स्ट्रेंज उन्हें कहता है कि मैं अपने हाथों की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मास्टर हमीर उसके सामने जादू करके दिखाते हैं जिनका एक हाथ कटा हुआ था। ये देखकर स्ट्रेंज बहुत हैरान होता है। तो गुरुमा उसे कहती है कि तुम्हारा ज्ञान तुम्हें बहुत ऊंचाई तक लेकर गया है लेकिन वो तुम्हें और ज्यादा आगे नहीं ले जा पाएगा, इसीलिए अपने घमंड को त्याग दो जिससे तुम्हारी ताकत और बढ़ जाएगी। फिर उसे एवरेस्ट पर लेकर जाती है और उसे कहती है कि इस तापमान पर इंसान सिर्फ 30 मिनट तक ही जीवित रह सकता है, उसके बाद सारा शरीर बेजान हो जाता है। यह कहकर वहाँ से चली जाती है ताकि स्ट्रेंज अपना घमंड छोड़कर अपनी शक्तियों पर काबू कर सके। स्ट्रेंज काफी कोशिश करने के बाद तिलस्मी अंगूठी को एक्टिवेट कर लेता है और वापस कामरताज में आ जाता है। फिर अगले दिन स्ट्रेंज तैयार होकर वोंग से आत्माओं की किताब लेने जाता है लेकिन वोंग उसे किताब देने से मना कर देता है। तो स्ट्रेंज तिलस्मी अंगूठी का इस्तेमाल करके किताबें हासिल कर लेता है और रात को अपनी आत्मा को शरीर से अलग करके उन किताबों को पढ़ने लग जाता है
जिससे वो बहुत ही जल्दी अलग अलग तरह के जादू सीखने लगता है। तो अगले दिन गुरुमा उसे अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि तुम बहुत जल्दी मायावी शक्तियों की कला सीख रहे हो, इसलिए तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए। फिर उसे आईने के आयाम में लेकर जाती है और उसे बताती है कि आईने का आयाम हर जगह मौजूद है लेकिन नजर नहीं आता, और इसका इस्तेमाल नजर रखने, सिखाने और कभी कभी खतरे रोकने के लिए किया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मोडो स्ट्रेंज को लड़ने की ट्रेनिंग देने लगता है। वो उसे अपने पास मौजूद जादुई हथियार दिखाता है तो स्ट्रेंज उसे पूछता है कि मुझे कोई जादुई चीज कब मिलेगी। तो मोडो से बताता है कि जब तुम तैयार हो जाओगे तो जादुई चीज ऑटोमेटिक तुम्हारे पास आ जाएगी। फिर स्ट्रेंज उससे पूछता है कि कैसिलियस कौन था। तो मोडो से बताता है कि कैसिलियस जब हमारे पास आया था तो अपना वो खो चुका था। वो बहुत ही होनहार लेकिन घमंडी शिष्य था। उसने गुरु माँ पर सवाल उठाए, उनकी शिक्षा को ठुकरा दिया और कामरताज छोड़ दिया। फिर रात को स्ट्रेंज वापस से लाइब्रेरी में जाता है जहाँ वो गुरु माँ की किताबें पढ़ने लग जाता है। जहाँ वो वहाँ रखी आधा मौतों की आँख को एक्टिवेट कर लेता है और कुछ मंत्रों को बोलकर समय को आगे और पीछे करने लग जाता है, और फिर वो कैसिलियस के फाड़े हुए पन्नों को भी मंत्रों की मदद से देख लेता है, जिससे उसे अंधेरी दुनिया के राजा डोरमामू के बारे में पता चलता है। तभी वहाँ वोंग और मोडो भी आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि समय के साथ छेड़छाड़ करना मना है क्योंकि तुम इससे उसी पल में फंस सकते हो। तो स्ट्रेंज उन्हें कहता है कि मैं तो सिर्फ वही कर रहा था जो इस किताब में लिखा हुआ है। तो वोंग उसे कहता है कि किताब में ये नहीं लिखा कि उस रस्म को करने के खतरे क्या है, और तुम्हारी उत्सुकता तुम्हारी जान ले सकती थी। फिर मोडो से पूछता है कि जादू के मंत्रों को जाने बगैर तुमने किया कैसे। तो स्ट्रेंज उन्हें बताता है कि जो मैं देखता हूँ वो दिमाग में छप जाता है, और इसी तरह मैंने MD और PhD एक साथ की। तो मोडो से कहता है कि अभी जो तुमने किया उसके लिए सिर्फ याददाश्त काफी नहीं है, इसीलिए तुम पैदा ही रहस्यमय कलाओं के लिए हुए हो। तो स्ट्रेंज उन्हें कहता है कि मेरे हाथ अभी भी कांपते हैं, इसीलिए तुम मुझे ये बताओ कि मेरे हाथ कब ठीक होंगे। तो मोडो से कहता है कि हम ज्योतिष नहीं है। तो रिप्लाई में स्ट्रेंज कहता है कि फिर तुम मुझे ये बताओ कि हम असल में क्या है। तो वोंग उसे बताता है कि एवेंजर्स जैसे हीरो इस दुनिया को पृथ्वी पर होने वाले खतरों से बचाते हैं, जबकि हम जादूगर उसकी रहस्यमय शक्तियों से रक्षा करते हैं, और उन सभी जादूगरों में गुरुमा सबसे बड़ी और महान जादूगरनी है जो आधा मातों की वंशज है, और आधा मातों ने सत्ता के नाम पर 3 पवित्र स्थल बनाए थे, जिनमें से पहला हांगकांग का पवित्र स्थल है, दूसरा न्यूयॉर्क का और तीसरा लंदन का पवित्र स्थल है, और इन तीनों पवित्र स्थलों के दरवाजे यहाँ मौजूद है, और ये तीनों पवित्र स्थल मिलकर दुनिया के इर्द गिर्द रक्षा का कवच बनाते हैं, जिससे पूरी दुनिया इन पवित्र स्थल से सुरक्षित रहती है, और हम जादूगर इन पवित्र स्थलों को दूसरी दुनियाओं के प्राणियों से बचाते हैं, और उन सब में सबसे खतरनाक डोरमामू है जो अंधकार की दुनिया में रहता है, जिसके पास अपार शक्ति है और अनंत भूख है, जो हर ब्रह्मांड पर हमला करके उसे अपनी अंधेरी दुनिया में खींच लाना चाहता है, और पृथ्वी के लिए उसकी भूख सबसे बड़ी है। फिर वोंग उसे बताता है कि कैसिलियस ने जो पन्ने चुराए थे उनमें डोरमामू से मिलने और अंधकार की दुनिया से ताकत खींचने की रस्म लिखी हुई थी। तो स्ट्रेंज उन्हें कहता है कि मुझे इन सब से दूर रखिए क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ हाथों का इलाज करवाने आया था, न कि किसी रहस्यमय जंग का हिस्सा बनने। तभी लंदन के पवित्र स्थल पर कैसिलियस हमला कर देता है और वहाँ के मास्टर को जान से मार देता है, जिससे कैसिलियस के हमले से स्ट्रेंज न्यूयॉर्क शहर के पवित्र स्थल में पहुँच जाता है, जहाँ वो वोंग को आवाज लगाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उसे वहाँ 3 डोज दिखाई देते हैं जिनके मदद से अलग अलग जगहों पर जाया जा सकता था। तभी कैसिलियस उस पवित्र स्थल पर हमला करने आ जाता है और वहाँ के मास्टर को जान से मार देता है। स्ट्रेंज ये देखकर कैसिलियस को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उस मास्टर को जान से मार देता है। फिर वो स्ट्रेंज पर भी हमला करने लगता है लेकिन स्ट्रेंज अपने जादू की मदद से हथियार बनाकर उनके वार से बचता हुआ वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कैसिलियस अपने साथियों के साथ उस पर हमला करता है क्योंकि कैसिलियस आईने की दुनिया से बाहर निकलकर किसी भी जगह का आकार बदल सकता था, जिससे वो वहाँ की जगह को रोटेट करने लग जाता है। ये देखकर स्ट्रेंज कैसिलियस के एक आदमी पर हमला करके उसे रेगिस्तान में बंद कर देता है, लेकिन कैसिलियस अभी भी उसके पीछे होता है। कैसिलियस स्ट्रेंज को मारने लगता है लेकिन तभी एक लाल चोगा स्ट्रेंज को बचा लेता है, और फाइनली अब स्ट्रेंज को अपना जादुई हथियार मिल जाता है, और स्ट्रेंज एक कवच की मदद से कैसिलियस को बेड़ियों में बंद कर देता है। फिर स्ट्रेंज उससे पूछता है कि तुम करना क्या चाहते हो। तो कैसिलियस उसे बताता है कि तुम जानते हो कि सबकी उम्र बढ़ती है और सब मरते भी हैं, और आखिर में सूरज भी राख हो जाएगा, अंतरिक्ष ठंडा होकर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि सभी चीजों का अंत निश्चित है, मगर अंधेरी दुनिया कभी खत्म नहीं होती क्योंकि वो समय से परे है। फिर कैसिलियस उसे कहता है कि अगर हम वक्त से परे अंधेरी दुनिया को अपना ले तो हम हमेशा के लिए जीवित रह सकते।
सकते हैं, क्योंकि वक्त ही हमें गुलाम बनाकर रखता है। इसीलिए हम इस दुनिया को डोरमामू के हवाले करना चाहते हैं, ताकि ये पूरी दुनिया अमर रह सके। तो स्ट्रेंज उन्हें कहता है कि ये सब झूठ है, क्योंकि महान गुरु माही जीवन की रक्षा करती है। तो काइसिलियस उसे कहता है कि तुम कामरताज ठीक होने आए थे, क्योंकि कामरताज टूटी हुई चीजें इकट्ठा करता है और हम सब यहाँ इलाज के मकसद के साथ आते हैं, पर गुरुमा हमें सिर्फ जादू का छलावा देती है और असली जादू खुद के लिए बचा कर रखती है, जिससे ही वो इतने सालों से जिंदा है। और मैंने जो रस्में चुराई थी वो मुझे गुरुमा को हराने और उनकी दुनिया को तोड़ने की ताकत देती है, ताकि हम डोरमामू को यहाँ तक ला सके। तो स्ट्रेंज उसे कहता है कि डोरमामू ने तुम्हें हत्यारा बना दिया है और तुम्हारी आंखों से ही पता चलता है कि उसकी दुनिया कितनी बुरी है। तभी काइसिलियस का एक शिष्य आकर स्ट्रेंज को सोर से इंजर्ट कर देता है और उसे मारने लगता है, लेकिन तभी उसका चोगा उसे बचा लेता है और स्ट्रेंज तिलस्मी अंगूठी की मदद से सीधा हॉस्पिटल चला जाता है, जहां वो पामर के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। तभी स्ट्रेंज बेहोश हो जाता है और उसकी आत्मा बाहर निकल जाती है। पामर ये देखकर काफी डर जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम मर चुके हो। तो स्ट्रेंज उसे कहता है कि ये मेरी आत्मा है और मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ। तो पामर उसका इलाज करने लगती है। वहीं स्ट्रेंज के चोगे ने काइसिलियस के जिस शिष्य को पकड़ रखा था वो भी अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर लेता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आकर उसे मारने लगता है। उन दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन जब पामर जैसे स्ट्रेंज को शॉक लगाती है तो उसकी पावर से काइसिलियस का वो आदमी मारा जाता है और इससे स्ट्रेंज की जान भी बच जाती है। स्ट्रेंज पामर से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, जबकि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। तो पामर उससे पूछती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ चले गए थे। तो स्ट्रेंज उसे कहता है कि जब अंग्रेजी दवाइयों ने काम नहीं किया तो मैं कामरताज पहुँच गया, जहाँ मुझे गुरु माँ ने मेरी शक्तियों का एहसास करवाया। फिर स्ट्रेंज उससे कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि एक काइसिलियस नाम के जादूगर ने खुद को अंधेरे के हैवान के हवाले कर दिया है, जो दुनिया को खत्म करना चाहता है, और उसने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे बेड़ियों में कैद कर दिया है। मगर पामर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, तो स्ट्रेंज उसे वो आयाम दिखाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर पामर बहुत हैरान होती है। स्ट्रेंज जब वहाँ पहुँचता है तो उसका चोगा उसके पास आ जाता है और फिर वो काइसिलियस के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि काइसिलियस वहाँ से भाग गया था। तभी वहाँ मोडो और गुरुमा भी आ जाते हैं। वो स्ट्रेंज का जादुई हथियार देखकर बहुत खुश होते हैं। स्ट्रेंज उन्हें कहता है कि काइसिलियस यहाँ से भाग गया और उसके पास आईने की दुनिया से बाहर निकलकर असली दुनिया में चीजों को बदलने की शक्ति है। तो गुरुमा उसे कहती है कि लंदन का पवित्र स्थल बर्बाद हो गया है, इसीलिए हम अंधेरी दुनिया के खौफ से सिर्फ न्यूयॉर्क और हांगकांग को बचा सकते हैं, और तुमने अभी न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल को बचाया है, इसीलिए तुम नए मास्टर बनने के लायक हो। तो स्ट्रेंज उन्हें कहता है कि मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, और मैं जब डॉक्टर बना तो मैंने कसम खाई थी कि मैं किसी को चोट नहीं पहुँचाऊंगा, लेकिन अभी अभी मैंने एक आदमी को मार दिया और अब मैं दोबारा नहीं करूँगा। और मैं जानता हूँ कि आप इतने सालों से कैसे जिंदा है। आप अंधेरी दुनिया से जिंदा रहने के लिए ताकत खींचती है, क्योंकि मैंने वो रस्में देखी है और मैं जानता हूँ कि आप ये कैसे करती है। तो गुरुमा उसकी बातों का जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। तभी काइसिलियस वापस से न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल पर हमला करने आ जाता है, तो मोडो स्ट्रेंज को कहता है कि हमें इसे रोकना होगा। तो स्ट्रेंज अपने मंत्रों का यूज करके काइसिलियस और उसके साथियों को आईने के आयाम में कैद कर देता है, लेकिन ये स्ट्रेंज की बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि इससे काइसिलियस असली दुनिया को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन उन दोनों को मार जरूर सकता था, क्योंकि वो अंधेरी दुनिया से जुड़ा होने की वजह से बहुत ताकतवर था, जो आईने के आयाम की दुनिया को किसी भी शेप में चेंज कर सकता था। ये देखकर स्ट्रेंज और मोडो काइसिलियस की तिलस्मी अंगूठी चुरा कर वहाँ से भागने लगते हैं और तिलस्मी अंगूठी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन काइसिलियस अपनी पावर से उनके रास्ते को बदलते रहता है और उन्हें बाहर नहीं निकलने देता। एक जगह आकर वो स्ट्रेंज को मारने लगता है, लेकिन तभी गुरुमा वहाँ आकर उसे बचा लेती है, जो उस पूरी जगह को बदलकर एक ग्राउंड में चेंज कर देती है। इससे मोडो को बहुत हैरानी होती है कि गुरुमा भी अंधेरी दुनिया से ताकत खींचती है। गुरुमा काइसिलियस को कहती है कि डोरमामू तुम्हें धोखा दे रहा है, क्योंकि उसका अमर जीवन एक वरदान नहीं है बल्कि अभिशाप है, क्योंकि तुम कभी वहाँ चैन से जी नहीं पाओगे। लेकिन काइसिलियस को ये बातें झूठी लगती है और अपने सभी साथियों के साथ गुरुमा पर अटैक कर देता है और धोखे से उन्हें इंजर्ट करके तिलस्मी अंगूठी की मदद से बाहर की दुनिया में फेंक देता है, जिससे वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है। ये देखकर स्ट्रेंज उन्हें लेकर पामर के पास जाता है, जहाँ सभी उसका ऑपरेशन करने लगते हैं, लेकिन गुरुमा की धड़कन अचानक से रुक जाती है। ये देखकर स्ट्रेंज अपनी आत्मा को बाहर निकालता है तो वो देखता है कि गुरुमा वहाँ से बाहर जा रही है, तो उनके पास जाकर उन्हें कहता है कि आपको फौरन अपने शरीर में वापस लौटना
होगा क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है। तो गुरु माँ से कहती है कि हम वक्त के मोहताज नहीं है और मैंने बरसों वक्त की सीमा से आगे जाकर देखा है, लेकिन मैं इस पल के आगे नहीं देख सकती क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरा वक्त आ गया है। फिर उसे बताती है कि मैंने ना जाने कितने खतरनाक हादसे रोके हैं, पर एक खत्म होते ही दूसरा आ जाता है। फिर उसे कहती है कि जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे तो तुमने मुझसे पूछा था कि मैंने पेंगबोन को कैसे ठीक किया, लेकिन मैंने उसे ठीक नहीं किया बल्कि वो खुद ही आयामों से ऊर्जा अपने शरीर में खींच लेता था। इसीलिए उस वक्त उसके पास दो रास्ते थे कि या तो उस ऊर्जा से अपने शरीर को ठीक करके वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाए या फिर अपने से बढ़कर किसी दूसरी चीज के काम आना। तो स्टेन जिससे समझ जाता है कि मेरे हाथ ठीक हो सकते हैं। तो गुरु माँ से कहती है कि तुम ठीक सोच रहे हो, लेकिन इससे दुनिया एक बेहतरीन जादूगर खो देगी। फिर उसे कहती है कि मुझे कभी अंधेरी दुनिया से शक्तियाँ लेना अच्छा नहीं लगा, लेकिन तुम जानते हो कि कभी सबके फायदे के लिए नियम तोड़ना जरूरी होता है। तो स्टेंज उन्हें कहता है कि मोडो इससे कभी खुश नहीं होगा। तो गुरु माँ से कहती है कि मोडो की आत्मा बचपन में मुश्किलें झेलकर अटल और कठोर बन चुकी है, इसीलिए उसे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें उसकी ताकत की, क्योंकि तुम एक साथ मिलकर ही डोरमामू का सामना कर सकते हो। तो स्ट्रेंज उन्हें कहता है कि मैं तैयार नहीं हूँ। तो रिप्लाई में गुरु माँ कहती है कि कोई कभी तैयार नहीं होता, यह कहकर उनकी आत्मा वहाँ से मुक्ति ले लेती है। स्ट्रेंज इससे कभी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास भी अब दो रास्ते होते हैं, या तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने हाथों को ठीक कर ले या फिर दुनिया के लोगों की रक्षा करे, और वो दूसरा ऑप्शन चुनता है क्योंकि पामर ने उसे कहा था कि लोगों की जिंदगी बचाने के और भी तरीके हैं। इसलिए वो अब अपना सूट पहनकर काइसिलिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वही हमें हांगकांग में दिखाया जाता है कि वोंग अपने सभी साथियों के साथ हांगकांग के पवित्र स्थल की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि काइसिलियस ने दो पवित्र स्थलों को बर्बाद कर दिया था और अब सिर्फ हांगकांग का पवित्र स्थल ही बचा था। इसलिए काइसिलियस उसे नष्ट करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। वही स्टेन मोडो के पास जाता है, लेकिन मोडो गुरु माँ के धोखे से बहुत परेशान होता है क्योंकि उन पर बहुत भरोसा करता था। वो स्टेन को कहता है कि गुरु माँ में कहती थी कि अंधेरी दुनिया में जाना खतरनाक है, लेकिन वो खुद जिंदा रहने के लिए उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करती रही। तो स्टेन उसे कहता है कि उन्होंने वही किया जो उन्हें ठीक लगा, लेकिन अब हमें काइसिलियस को रोकना होगा क्योंकि उसने दो पवित्र स्थल बर्बाद कर दिए है और अब वो हांगकांग पर हमला करेगा। इसीलिए हमें उसे रोकना होगा क्योंकि मैं अकेला उसे नहीं रोक सकता। तो मोडो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो तिलस्मी अंगूठी से आयाम बनाकर हांगकांग आते हैं, जहां वो देखते हैं कि हांगकांग का पवित्र स्थल भी बर्बाद हो चुका है और डोरमामू धीरे धीरे पृथ्वी पर आ रहा है। ये देखकर मोडो स्टेंज को कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, डोरमामू को कोई नहीं रोक सकता। तो स्टेंज उसे कहता है कि हमें कोशिश तो करनी होगी। ये कहकर वो आधा मोतो की आंख को एक्टिवेट कर देता है और कुछ मंत्र बोलकर समय को पीछे करने लगता है, जिससे सब कुछ वापस से ठीक होने लगता है। ये देखकर काइसिलियस अपने साथियों के साथ उस पर हमला करता है, लेकिन स्टेंज और मोडो मिलकर काइसिलियस और उसके साथियों को दीवारों में दफन कर देते हैं और समय पीछे होने की वजह से वोंग भी वापस जिंदा हो जाता है। तो स्टेंज उन्हें कहता है कि जब पवित्र स्थल वापस बन जाएगा तब काइसिलियस अपने साथियों के साथ दोबारा हमला करेगा, इसीलिए हमें उसे रोकना होगा। तभी काइसिलियस उन पर हमला कर देता है, जिससे स्ट्रेंज का मंत्र टूट जाता है और सब कुछ एकदम फ्रीज हो जाता है। काइसिलियस स्ट्रेंज और बाकी सभी को कहता है कि देखो वो दुनिया कितनी खूबसूरत है जो वक्त से परे है। इससे स्ट्रेंज को एक आइडिया आता है और वो अंधेरी दुनिया के अंदर चला जाता है। वो डोरमामू के पास जाता है और वापस अपने मंत्रों को एक्टिवेट करके डोरमामू को समय के भंवर में फंसा देता है। स्ट्रेंज डोरमामू से कहता है कि मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ। तो डोरमामू से कहता है कि तुम मरने आए हो और अब तुम्हारी दुनिया मेरी है। ये कहकर स्ट्रेंज को मार देता है, लेकिन समय के भंवर में फंसे होने की वजह से स्ट्रेंज को कुछ नहीं होता और वो वापस समय में पीछे चला जाता है और वो बार बार डोरमामू से एक ही बात कहता है कि मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ, और डोरमामू भी उसे बार बार मारता जाता है। डोरमामू को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तो स्ट्रेंज उसे कहता है कि जैसे तुमने अपनी ताकत काइसिलियस को दी, वैसे ही मैं समय की कुछ ताकत अपनी दुनिया से लाया हूँ और ये अनंत चक्र में घूमता समय है जिससे हम दोनों इस समय में कैद हो गए हैं। फिर डोरमामू से वापस मार देता है। तो स्ट्रेंज वापस उसे वही बात कहता है, इससे डोरमामू काफी परेशान हो जाता है। वो स्ट्रेंज को कहता है कि ये सब बंद करो और मुझे आजाद करो। तो स्ट्रेंज उसे कहता है कि मेरी एक शर्त है कि तुम अपने साथी काइसिलियस को मेरी दुनिया से दूर कर दो और मेरी दुनिया पर हमले बंद करो और कभी वापस लौट कर मत आना। तो मजबूरन डोरमामू को उसकी बात माननी पड़ती है और स्ट्रेंज समय के चक्र को तोड़कर वापस आ जाता है और काइसिलियस को कुछ होने लगता है। तो स्ट्रेंज उसे कहता है कि तुम्हारे साथ वही हो रहा है जो तुम चाहते थे, अनंत दुनिया। और फिर काइसिलियस और उसके साथी राख बनकर डोरमामू की दुनिया में चले जाते हैं और
अब डोरमामू भी वापस चला जाता है। सब कुछ वापस से ठीक हो जाता है, ये देखकर वोंग बहुत खुश होता है। लेकिन मोडो से कहता है कि हमने डोरमामू को तो रोक दिया, लेकिन हमने कुदरत के नियमों से छेड़छाड़ की है, इसीलिए हमें भी हट जाना भुगतना होगा और अब मैं इस रास्ते पर नहीं चल सकता, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टेंज वापस जाकर आधा मोतो की आँख को वापस रख देता है। तो वोंग उसे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा फैसला लिया, क्योंकि तुम आधा मोतो की आँख जब ही पहनोगे जब तुम उसकी शक्तियों पर काबू पा लोगे। और अब भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि अब पूरे ब्रह्मांड को पता चल गया होगा कि धरती को बचाने वाली मान गुरुमान नहीं रही, इसीलिए अब हमें तैयार रहना होगा। और अब स्टेंज न्यू के पवित्र स्थल के मास्टर बनकर उसकी हिफाजत करने लगते हैं। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। फिर हमें इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जहाँ थोर और स्टेंज साथ में बैठे हुए होते हैं, क्योंकि थोर अपने पिता ओडिन को ढूंढने के लिए अर्थ पर आया था, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ओडिन के साथ क्या हुआ था। लेकिन थोर को विश्वास था कि अपने पिता ओडिन को ढूंढ लेगा और वापस एसगार्ड लौट जाएगा। और स्टेंज भी वादा करते हैं कि मैं तुम्हारे पिता को ढूंढने में मदद करूंगा। फिर हमें इस मूवी के एंड क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जहां मोडो पेंगबोन के पास जाता है और उसकी सारी शक्तियां वापस खींच लेता है, जिससे पेंगबोन की पूरी बॉडी को वापस से लकवा मार जाता है, क्योंकि वो चलने के लिए जादू का इस्तेमाल करता था। पेंगबोन उसे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो मोडो से कहता है कि दुनिया में जादूगर बहुत बढ़ गए हैं और मैं इसी तरह सभी को खत्म करना चाहता हूँ। और यहीं पर ये मूवी फाइनली एंड हो जाती है। और गाइस, आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।